हाय दोस्तों, आज हम आए हैं ईस्ट दिल्ली के फेमस गब्बर कढ़ी चावल के पास। तो आपने अगर ईस्ट दिल्ली में रहते होंगे तो आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, गब्बर कढ़ी चावल। ये आपको मेनली बताएं तो ये झील में लोकेटेड है। चलिए ये बात करते हैं पहले इसके ओनर से। दोस्तों, तो हमारे साथ गब्बर कढ़ी चावल के ओनर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है सुशील कालरा। तो सुशील जी, ये कब से गब्बर कढ़ी चावल? मैं इसी स्कूल में पढ़ता था, मैं ये रोज़ खाने आता था, पहले रेडी लगती थी आपकी। तो आपका कब से बिज़नेस चल रहा है? सर ये सन 1978 से चल रहा है जी। 1978 से, मतलब आपके 50 साल हो गए। तो आए आपके पिताजी भी? फादर भी हमारे यही काम करते हैं। तो इसमें तो आपका क्या क्या वैरायटी है आपके पास? कढ़ी चावल है? कढ़ी चावल है, राजमा चावल है, रायता है। रायता है, अच्छा। तो जब मैंने स्टार्ट किया 10 रुपए से आए थे? नहीं नहीं, 3 रुपए 5 रुपए। 3 रुपए 5 रुपए से स्टार्ट किया था इन्होंने, और हाफ प्लेट दी, 5 रुपए की फुल प्लेट दी। तीन रुपए की हाफ प्लेट थी, 5 रुपए की फुल प्लेट थी। देखिए, 3 रुपए की हाफ प्लेट थी शुरू में, 5 रुपए। इस टाइम क्या रेट होगा? आज 40 रुपए की हाफ है, 60 रुपए की फुल है। लेकिन तब भी बंदे उतने ही खाते हैं जितने पहले खाते थे। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं। देखिए भाई साहब भी आए हैं। भाई साहब, आप कब से खा रहे हैं यहाँ पे? मेरे को कई साल हो गए। तो आपको क्या ऐसा लगता है? तो और कढ़ी चावल देखे हैं यहाँ पे बहुत, बट आप ऐसा क्या क्वालिटी है जो आप बार बार यहीं पे आते हैं? ये कुछ ना कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट है, बिल्कुल। अच्छा, तो वही चीज़ देखिए, क्वालिटी एवन है। क्वालिटी एवन है यहाँ पे। जो हमारे साथ, आपका शुभ नाम? मेघा। मेघा जी, ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कढ़ी चावल, तो ये इनसे ऑनेस्ट रिव्यू कोई नहीं दे सकता यहाँ पे। तो आपको कैसे लगे कढ़ी चावल, नहीं बताएंगे? बहुत ही टेस्टी है। आई थिंक इन 40 रुपीज़, इफ़ यू आर गेटिंग दिस क्वालिटी अलॉन्ग विद द टेस्ट, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि रीजनेबल प्राइस है 40 रुपीज़। तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, आई थिंक आपने रायता ट्राई किया? हाँ, यस, इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ओके, तो रायता को भी थम्स अप है मेघा जी की तरफ से। सो अब औरों से पूछते हैं। सर, आप कितने साल से खा रहे हैं यहाँ पे कढ़ी चावल? कम से कम 10 साल हो गए सर। इन्हें भी 10 साल हो गए। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो 10 या 15 साल कम से कम पुराने तो हैं। तो गाइज, हम यहाँ पे आए हैं, हम हाफ राजमा प्लेट ट्राई करेंगे, हाफ कढ़ी चावल ट्राई करेंगे और एक रायता ट्राई करेंगे। तो ये हमने देसी बुक्कड़, हमें चाहिए सस्ता। तो सस्ता यहाँ पे मिलेगा, और सस्ता और बढ़िया और चोखा कहते हैं ना आसानी लैंग्वेज में, वैसा चाहिए। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत लोग कढ़ी चावल खा रहे हैं। तो आप बताएंगे, आप कब से खा रहे हैं यहाँ पे कढ़ी चावल? जी मेरा तो फर्स्ट टाइम है, बट मेरे साथ जो राहुल भाई है, ये काफ़ी दफ़ा आते रहते हैं यहाँ पे, यही मुझे लाए हैं यहाँ पे। आप ही लाए हैं? मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 10 साल 15 साल से जो भी हमने जिससे बात की, 10-15 कम से कम मिनिमम हमसे खा रहे हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पे ऐसा जो आप बार बार यहीं पे आते हैं? लग्जरी टेस्ट है। देखिए लग्जरी टेस्ट है, रीजनेबल प्राइस है, देसी ब्रांड है। हम देसी बुक्कड़ हैं और देसी ब्रांड है। तो इन्होंने हमें रिलेट कर लिया कुछ तरीके से कढ़ी चावल के लिए। अब देखते हैं ये अब क्या ऐसा जादू करते हैं जो हमें दोबारा आएंगे। देखिए ये हाफ प्लेट दोस्त, आप ये हाफ प्लेट बना रहे हैं? ओके, तो हाफ प्लेट में कितनी आप पकौड़ी डालते हैं इसके अंदर? ये कह रहे हैं वैसे ये 2 डालते हैं, बट आपको चाहिए ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं आज। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं, ये कढ़ी चावल हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में है। हाय गाइस, जैसे आप देख सकते हैं इसमें कढ़ी चावल अच्छी खासी क्वांटिटी में है। हाफ प्लेट है, बट मुझे लग नहीं रहा है हाफ प्लेट है। तो आप इसमें देख सकते हैं 2 पकौड़ी हैं, हाफ प्लेट में 2 पकौड़ी डालते हैं ये, जैसे आप देख सकते हैं। और प्याज देते हैं ऊपर से, और ये पहले ये वो मिर्च भी देते थे, बट आजकल कुछ मिर्च का इन्होंने बंद कर दिया है। वो मिर्च भी देते, एटलीस्ट हमारी टीम ये टेस्ट करेगी और उसको आपका रिव्यू देगी आपको इसका। हम ट्राई करते हैं इसे। तो मसालों का टेस्ट है इसके अंदर, बहुत बढ़िया आ रहा है। वो कह रहे हैं ना पंजाबी तड़का लगा हुआ है इसके अंदर, तो टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका। अभी हमें राजमा चावल भी आ रहा है, रायता भी आ रहा है, तो उसको हम टेस्ट करके बताते हैं आपको कि ओवरऑल हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं जैसे राजमा चावल की हमारी प्लेट आ चुकी है, और इसमें अच्छी खासी क्वान्टिटी, हाफ प्लेट के हिसाब से नहीं है, मुझे लग रहा है पौन प्लेट तो है कम से कम।
और ये हमारा रायता आया है जिसमें वेरी नाइस जो बूंदी आप खुद देख सकते हैं, इसमें बूंदी ऊपर तक तैर रही है। तो मसाला सही में बहुत अच्छा है राजमा का, रायता का मसाला। अब राजमा चावल ट्राई करके देखते हैं हम कैसा चलता है। नाइस, राजमा चावल उन लोगों के लिए है जो पंजाबी तड़के वाला खाना पसंद करते हैं। दिस इज़ रियली गुड। ये 40 रुपीस में है, ये भी 40 रुपीस में है और ये 20 रुपीस में है आपका। तो 100 रुपये में 2-3 बंदों का पेट आराम से भर सकता है और देसी पंजाबी तड़के के साथ। तो आप देख सकते हैं सुशील जी मेरे साथ दोबारा आ चुके हैं और उन्होंने हमें फ्री में कढ़ी चावल, राजमा चावल और रायता दिया, इसके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ आपको। थैंक्स। तो जो हमने खाया कढ़ी चावल तो सर जो पंजाबी तड़का था ना उसके अंदर सर जो मसाले थे ना, तो यानी वो तो हर पंजाबी चाहेगा कि उसके घर में वो मसाले मिल जाएँ। तो आप घर में प्रोवाइड कराएंगे हमें? नहीं, घर में नहीं। तो ये तो बिजनेस है इनका, इसे घर में प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ पे अगर किसी बंदे को आना हो तो सर पास उसका क्या लैंडमार्क क्या बोल के आ सकता है वो? राजगढ़ कॉलोनी सत्संग मार्ग सतनाम रोड 310 का बस स्टैंड है, जैन ढाबा और पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल सामने दुकान है गब्बर कढ़ी चावल के नाम। बिल्कुल। तो आप अगर, लेकिन आप गब्बर कढ़ी चावल बोलेंगे तो वो खुद में एक लैंडमार्क है मेरे हिसाब से कि आप देख सकते हैं। तो अब हम हमसे अलविदा लेते हैं। जो हमने टेस्ट किया हमें बहुत मज़ा आया, आप भी खुद आइएगा, खुद टेस्ट कीजिएगा यहाँ पे और बताइए। एक और बात बताना चाहूँगा, ये दिल्ली लाइसेंस, इसके दिल्ली सरकार के लाइसेंस प्राप्त है और MCD के सारे लाइसेंस प्राप्त इसकी दुकान है। बिल्कुल, जैसा आप देख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे लगी हुई है तो आपको लगेगा लाइसेंस, लेकिन लाइसेंस है, MCD का भी लाइसेंस है, दिल्ली सरकार का मान्यता प्राप्त है। तो कोई टेंशन नहीं है, इंजॉय कीजिए फूड गब्बर कढ़ी चावल पे सुशील जी के साथ, नरेश जी के साथ, और टेस्ट तो इनका औसम है।